पे जा रहे हो आराम से, आराम से, मैजिक को ओवर कमिट मत करना। नहीं 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 पा रहे। हॉल्ड इट हॉल्ड इट हॉल्ड इट बैठ गया था ये काम। अरे दो दो पीछे है मेरे पीछे से दो लो है ऊपर ही है लास्ट। कूद जा कूद जा कूद जा। नहीं नहीं अरे भाई लोग ख्याल चाली होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो यहाँ पे आपने मेरे चैनल पे गेम प्ले तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज के वाले जो दो गेम प्लेज है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाले। पहले वाले गेम प्ले की एंडिंग का हिंट तो आपको थोड़ा बहुत मिल गया होगा, लेकिन जो दूसरा गेम प्ले रहेगा ना भाई, उसमें ना तो जोन फेवर कर रहा था, ना ही अपने पास स्मोक्स थे, कुछ नहीं था। ओपनली सामने वाली टीम के ऊपर रश करना था। यहाँ पे भाई सामने वालों के पास ऊपर से कंपाउंड भी था, समझ रहे हो, कंपाउंड का कवर। ओपनली हम लोग को जाना था, ना ही कवर था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ ग्रेनेड के सहारे में पूरा का पूरा गेम किस तरह से चेंज करूंगा ना भाई, देखना जरूर। बाजू में। लेकिन अब वो तो यार आगे की बात हो जाएगी, अभी के लिए यहाँ पे पूछेंगे वे उतरे थे। और ये बंदे ने जो यहाँ पे भाई मेरे को गंदा सा सरप्राइज दिया है, अगर यार यहाँ पे मैं अपने सस्ते वाले रिफ्लेक्सेस नहीं दिखाता तो शायद से यहाँ पे भाई मेरी पीटी बन जाती। आगे 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 बंदे तुम्हारे। और अब यार यहाँ पे जिस तरीके की यहाँ पे अपन ने ओपनिंग की है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि पोचिंग की क्लियर करने के बाद यहाँ पे अपने पास कितने किल्स रहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं पूछ रहा मैं जैसे देख लो मोड़ लगे थे। अब यहाँ पे अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा ना, मैंने इतने ज्यादा बंदे यहाँ पे नॉक किए थे ना, लेकिन ढंग से यार आधे बंदों को अभी किल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रही थी। मैं इस तरफ से भाई यहाँ पे नॉक करे जा रहा था और पीछे वाली जो स्क्वाड थी ना वो यार यहाँ पे बैक टू बैक मेरे किल्स चुरा रही थी। तो यहाँ पे भाई जस्टिस फॉर एबीएस हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम अपने 3 से 4 किल्स तो चोरी हुए ही थे। ये लोग क्लियर करेंगे ना ब्रिज को, उसके बाद अपन ब्रिज से निकल जाना। अरे स्मोक है ओपन में, आओ गाइस इधर स्मोक रखा। अरे फाइव टू रखी है, अलग अलग स्पॉट है।
मैं लेट गया भाई भाई लेट के मारता मैं तुम बताओ चलो अवॉइड कर दे लोगों छोड़ो एमओ भी नहीं है ये बंदा 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 निकलो निकलो साला लेट क्यों मार रहा भाई कितना रावी है ये क्या पड़ी उस पे एमओ के साथ मैजिक लूटना दोनों बढ़िया एक साइड ही बंदा नॉक कर देगा 10 से बंदा 10 से बोलता हूं 10 से भाई के चलो तो बाकी तो पूछेंगे क्लियर करने के बाद यहाँ पे भाई कुछ ज्यादा किल्स मिले नहीं थे तो सीधा ब्रिज की तरफ आ जाते यहाँ पे भी अपने को एक टीम मिल जाती है एंड ये वाला क्लच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और अब ब्रिज का जोन था तो यार यहाँ पे हम लोग ब्रिज कैम्प करने भी आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे ब्रिज कैम्प हम तो किसी का नहीं कर पाते लेकिन भाई पीछे की साइड से बंदे आ जाते हैं और हमारा ब्रिज कैम्प कर लेते हैं नहीं पा रहे बैठे रहे लेकिन यार यार यहाँ पे लोग गलत बंदों का ब्रिज कैम करने आए थे सिर्फ यहाँ पे 10 से 15 सेकंड लगे इन लोग को वाइप आउट करने में लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पे अपना एक टीममेट जो था वो भी शहीद हो जाता है और उसके बाद अब जोन जो था वो मिलिट्री का ही था तो यार यहाँ पे सीधा जोन का सेंटर आके पकड़ लेते लेकिन अब नेक्स्ट जोन जो था वो हल्का सा वापस से आगे शिफ्ट हो जाता है और अब भाई यार ये वाली टीम को भरने के साथ यहाँ पे लास्ट में 3v4 की सिचुएशन बची थी और बचे हुए जितने भी बंदे थे ना वो यार यहाँ पे पानी के अंदर की साइड वाले एरियाज पे थे और अब यहाँ से आगे का गेम जो है ना वो तो आपको पता ही कि कैसा होगा सामने वाले बंदों के ऊपर सिर्फ नीड ही नीड बरसेंगे एक किल अरे केचू सॉरी एक किल भाई एक लेफ्ट साइड गया है उसके कोई कवर ही नहीं बेचारे के पास हां भाई भाई नाइस नाइस है एक लेफ्ट में अब लेफ्ट में तेरे राइट जा लगा था उस तरफ ही गया था मुझे हाँ राइट पे गया था डाउन करके एक काम अरे दो दो पीछे है मेरे पीछे दो लोग ऊपर ही है सर एक लास्ट कूद जा नहीं नहीं फिनिश
अरे भाई और ये योला सीन देखने के बाद अगर आपको कोई सा भी सीन याद आता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मेरे को सिर्फ एक ही सीन याद आता है जो 2018 में शायद से मॉर्टल भाई ने जॉर्जो सिटी में यही सीम टू सीम सीन किया था, मेरे को अभी तक याद है, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। तो अगर आपकी भी ओल्ड मेमोरीज यार यहाँ पे ताज़ा हो गई हो तो यार मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और फैक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर ही दोगे। बाकी तो बढ़ते यार इसके सेकंड गेम प्ले की तरफ, जिसका कि मैं बहुत स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था कि ये वाला गेम प्ले जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अब ऐसा क्यों है वो तो यार एंड तक देखते जाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जोन जाने से पहले मरवा रहे हैं। चुपचाप जा रहे थे, दबी पाव फिश करते करते आ रहे थे। चलावा तू ग्रेनेड का ले ले। नेट करो उस पे, स्मोक कर लिया वो खुद पे। करो एटी। पीछे से बढ़िया, डेड ये डेड। पीछे से आया कोई, पीछे से। हाँ हाँ आने दो, इधर ही है, इधर ही है। पानी में नॉक। अरे एक और है बाबा, इजी वन वन। बस जोन में पर ले जाओ बाबा, स्मोक करना पड़ेगा, उठा के ले जाना पड़ेगा, उठा के ले जाना पड़ेगा बाबा, उठाना पड़ेगा। हाँ हाँ स्मोक कर लो, कर लो, उठाना पड़ेगा। वेरी गुड। अरे क्या काट रहे, बस पकड़ो पकड़ो पकड़ो। Watch out! अरे नॉक। Watch out! इससे होगा। समझे भाई आ रहा हूँ मैं। हील कर रहा हूँ, मैं हील कर रहा हूँ। हाँ जी जी। पता नहीं। अंदर 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 घर के अंदर। और एट द एंड यार बस अगर अच्छी वाली दोनों गेम प्लेस देखने के बाद भी अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते हो तो यार अब मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि यार आप वो डायमंड क्राउन वाले गेम प्लेस देख के खुश रहो। यहाँ पे भाई अगर ऐसा कंटेंट भी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी तो यार बस इतना अच्छी गेम प्ले। अगर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर भी कुछ तब सब दोस्तों से कि तरह बाकी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। I'm here for the money, I'm here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true, but the